ऑल राइट गाइज, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। और गाइज यार, अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा ना तो भाई आप लोगों को मालूम ही होगा कि गाइज यार हम लोग मिलने गए थे अपने बेस्ट फ्रेंड रिची से, जो कि गाइज यार जेल के अंदर बंद है। और भाई जब हमने उससे बात हुई थी तो उसे हम लोग को बताया था कि गाइज उसके तो कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यार उसको बचाने लिए आए हुए थे, तो उनके पास ये बहुत तगड़ा प्लान है। तो गाइज हम लोग उसके पास मिलने के गए हुए थे। उसने हम लोग को भाई उसकी कार वापस लाने को कहा और उसकी हम लोगों ने भाई कार वापस ला के दी। उसने एक रेस करवाई जिसको हमने भाई आसानी से जीत गए थे। तो गाइस यार आज उसने हम लोग बताया है कि हम लोग रिची को आखिरकार कैसे वापस ला सकते हैं। तो गाइस यार अपना जो वाला फ्रेंड है ना भाई, बेसिकली एक हैकर है, और जो भाई पुलिस स्टेशन है ना भाई वो पूरी एक हैकिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यानी कि अगर हम लोग को भाई जेल के भाई जो की है ना भाई अगर तोड़नी है तो हम लोग को भाई जेल के सारे जो लॉक्स हैं ना भाई उनको हैक करना पड़ेगा। इसीलिए गाइस यार आज हम लोग को अपने जो दोस्त रहने वाला इसने हम लोग को बताया कि गाइस यार हम लोग को जाके सारी जगह से तीन चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ेंगी, जिनमें से गाइस यार एक तो मिलने वाला हम लोग को पुलिस स्टेशन के अंदर ही, जो कि होने वाली एक मास्टर की, और साथ ही में हम लोग एक हैकिंग डिवाइस, और एक साथ ही में एक और चीज़ चाहिए जो कि हम लोग मिलने वाले गाइस यार डिजर्ट सिटी के अंदर, और जो कि यार गाइस यार यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो गाइस यार अभी रात है और अभी हम लोग सीधा आ चुके हैं भाई पुलिस स्टेशन के अंदर। तो गाइस फटाफट से देखते हैं यहाँ पे हम लोग भाई अपनी जो हैकिंग डिवाइस है ना भाई वो कहाँ पर मिलती है। चलो लेट्स गो, पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोग आ चुके हैं। हम देखते हैं भाई हम लोग यहाँ पे अपनी मास्टर की कहाँ मिलती है। ये रूम तो भाई एकदम खाली है यहाँ पे। तो गाइस यार यहाँ पे देखने में बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। और गाइस यार इसको देखने के बाद पता है हम लोग कहाँ पे जाना है। गाइस हम लोग जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। अब वो क्यों, क्योंकि गाइस यार हम लोग अगर डिजिटल सिटी के अंदर जाना है ना तो भाई हम लोग कार से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई यहाँ से। इसीलिए गाइस यार हम लोग को यहाँ से प्लेन को स्टील करके जाना पड़ेगा अपने डिजर्ट सिटी के अंदर, और वहाँ से यार हम लोग चुरा पाएंगे अपनी न्यू हैकिंग डिवाइस, जिससे कि जितने भी जेल के लॉकर्स हैं ना भाई तोड़ पाएंगे इनको। बाकी ये बदमाश देखो भाई यहाँ पे किडनैप होकर रखा हुआ है। चलो ऐसे ऐसे इग्नोर करते हैं, अभी चलते हैं हम लोग भाई नीचे तरफ को अपनी डिवाइस ढूंढते हैं। बाकी रिची बैठा हुआ है देखो भाई गनन लेके, लेट्स गो भाई। तो गाइस यार रात होने की वजह से भाई रिची तो भाई बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा है यहाँ पे। तो चलो गाइस इसे यहाँ पे सोने देते हैं भाई, हम लोग जल्दी से वापस लेने को आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल ये रहा गाइस यार मेन रूम, और भाई हम लोग को मिल चुकी गाइस अपनी मास्टर की गाइस, इसी से हम लोग को भाई मेन काम होने वाला है। तो चलो गाइस यार अपनी भाई पहली डिवाइस मिल चुकी है। अभी हम लोग भाई ऐसी दो चीज़ और कलेक्ट करनी है जिससे कि यार अपनी जो हैकिंग डिवाइस बनने वाली ना, और उससे हम लोग भाई रिची को एस्केप करवा पाएंगे। चलो गाइस अपनी कार उठाते हैं फटाफट से, और गाइस अभी लोग निकलना सीधा डिजर्ट सिटी के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग जाने वाले हैं एयरपोर्ट, और भाई एयरपोर्ट जाके प्लेन को भाई चोरी कर लेने वाले हैं। क्योंकि गाइस अगर हमको भाई रिजर्ट सिटी के अंदर जाना है ना तो भाई हम लोग को भाई प्लेन की जरूरत पड़ने वाली, ताकि अपना काम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, हम लोग भाई बहुत ज़्यादा आसानी से अपने काम को भाई सक्सेसफुल कर पाएँ। फिलहाल हाँ जल्दी जल्दी देखते हैं भाई यहाँ पर अपना शोरूम कितनी दूर पड़ता है, लेट्स गो। तो गाइस यार अभी भाई मेन रोड पे भाई लगा हुआ है गाइस यार पुलिस का भाई चक्का जाम, क्योंकि गाइस यार पता नहीं कैसे यार उनको भाई खबर लग गई भाई हम लोग तो यहाँ पे प्लेन को चोरी करने के लिए आ रखे हुए हैं। तो गाइस यार हम लोगों ने अपनी गाड़ी के दोनों सी डोर्स को हटा के यहाँ पे अपनी गाड़ी को भाई सुपर डुपर कार बना के भाई से गाड़ी को भाई लिटरली भाई पानी में चला के लेके आ चुके हैं अपने सीधा एयरपोर्ट के अंदर। लेट्स गो भाई यार अपनी गाड़ी लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग देख सकते हो भाई सीधा पानी चला के ले आए हम लोग के अंदर। लेट्स गो गाइस, अभी एयरपोर्ट की तरफ हम लोग आ चुके हैं, बस अपनी गाड़ी थोड़ा सा और चल जाए बस हम लोग को एक बार प्लेन मिल जाएगा ना, तो सीधे हम लोग जाएंगे डिजर्ट सिटी, और वहाँ से अपनी तीसरी सिटी पे जाने वाले जहाँ पे मिलने वाली हम लोग को तीसरी डिवाइस। फिलहाल यहाँ पे आकर अपने जो दूसरी डिवाइस है वो लेते हैं, अपनी पहली डिवाइस हम लोग को मिल चुकी है। फिलहाल अपनी गाड़ी को यहीं पर लगा देते हैं ताकि यार कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखना पड़ेगा भाई प्लेन कहाँ मिल रहा है, क्योंकि गाइस फालतू में लोग ज़्यादा चलना नहीं पड़ना चाहिए वरना यार फालतू में दिक्कत हो जाएगी। चलो गाइस अभी अपने लोकेशन तो हम लोग आ चुके हैं, अब देखना भाई एयरपोर्ट यार सामने देख पा रहे भाई उसी अंदर जाकर हम लोग को लेना पड़ेगा अपना प्लेन, और डिजर्ट सिटी के अंदर जाके सीधा हम लोग भाई मचाने वाले धूम। हो भाई यार कैसे लोग गाड़ी चला रहे हैं यार, जितना ही काम है भाई उतना ही देर करवा रहे हैं, ऊपर से भाई यहाँ पर रात भी हो चुकी है, क्योंकि अपना काम जो है ना भाई रात ही हो सकता है, तो हम लोग भाई रात ही को काम करना पड़ेगा वाला। लेट्स गो गाइस यार यहाँ पर गाड़ी लगा देते हैं और चलते सीधा अपने प्लेन को शील करने के लिए, लेट्स गो। तो गाइस यार अभी हम लोग भाई वाली गाड़ी को वहाँ पे खड़ी कर दिया और ये वाली गाड़ी ले ली है, ताकि भाई किसी को भी शक ना हो, और इसको भी पहले पानी के माध्यम से ही चला के जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस यार बिल्कुल भी भाई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हम लोग भाई रिची को जल्द से जल्द एस्केप करवाना है, समझ रहे हो ना आप लोग। भाई देखा ये बंदा कैसे हम लोग भाई देखने के चला है भाई क्या करने आए यहाँ पे, लेकिन भाई वो देखने कम भाई खुद ही देखने चला गया भाई क्या हो रहा है वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं यार, अभी यहाँ से अपनी गाड़ी को फंसाते हैं और एयरपोर्ट के अंदर सीधा हम लोग आ चुके हैं, आप लोग ऐसा कह सकते हो। फिलहाल अभी प्लेन देखते हैं हम लोग कौन से लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भाई एक ऐसा प्लेन चाहिए जो कि भाई आसानी से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी में लोग भाई डिजर्ट सिटी के अंदर लेके अपनी तीसरी सिटी के अंदर ले जाते बिना किसी दिक्कत है। तो फिलहाल अभी एयरपोर्ट के भाई एकदम मेन एरिया पे आ चुके हैं, बस ये जो बैरियर्स देख पा रहा हूँ ना भाई इसके अंदर जाना हम लोग को भाई देखना ही है कि भाई बैरियर्स ओपन कहाँ से, क्योंकि आप लोग देखोगे ना भाई चारों तरफ से पैक करके रखा हुआ है बंदों ने। बाकी हाँ ये देखो भाई प्लेन यहाँ पे खड़ा हुआ है भाई, ये पता नहीं भाई टाटा सुमो कहाँ से आ रही थी। चलो जो भी है अभी देखना भाई हम लोग मेन डोर कहाँ से निकलता है अपने एयरपोर्ट के अंदर जाने का।
ओके ओके गाइस यार, अभी हम लोग भाई मेन डोर मिल चुका है भाई एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने का। लेट्स गो भाई, यहाँ पे क्रॉसिंग तोड़ते हैं। और भाई यार क्रॉसिंग कितनी ज़्यादा टाइट लगा के रखी यार इन्होंने। कोई बात नहीं, गाड़ी यहीं पे छोड़ देते हैं। कौन सा यार अपनी गाड़ी है। फिलहाल अभी हम लोग को जाना है सीधा एयरपोर्ट के अंदर। और भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्त मस्त से कार्स खड़ी हुई हैं, तो अगर हम लोग को अंदर जाना है ना तो भाई हम लोग को एक कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस यार एक जगह हम लोग भाई प्लेन से सफ़र करने आए होते तो यार हम लोग यहाँ से चले जाते हैं टिकट लेके। लेकिन गाइस हम लोग सीधा प्लेन को भाई स्टील करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे उठाते हैं जी वैगन और सीधा यहाँ पे भाई पीछे वाली रास्ते चलने वाले हैं, ताकि हम लोग भाई चुप्पे से एकदम मस्त सब प्लेन को भाई चुरा पाएं। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग सीधा आ चुके हैं पीछे खुफिया रास्ते से अपने प्लेन की तरफ। और ये प्लेन आए थे हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गाइस यार पैसेंजर प्लेन है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसे ले पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके भाई, इसे हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि गाइस यार पैसेंजर प्लेन है, तो अगर हम लोग इसे लेके जाएंगे तो भाई ये ज़्यादा दूर तक तो चलेगा नहीं, साथ ही में भाई भारी बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है, तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखने वाले हैं। अपनी जी वैगन को आगे बढ़ाते हैं भाई, वहाँ पे आई थिंक थोड़े और प्लेन मिल जाएंगे यार। अभी हम लोग सीधे एयरपोर्ट के अंदर है यार, तो हम लोग यहाँ पे प्लेन की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है। और जी वैगन तो काफ़ी मस्त लग रहा, इसको छोड़ने का मन तो नहीं है। लेकिन गाइस अभी लोग भाई अपनी रिची को अगर रिसीव करवाने तो भाई सब तो करना पड़ेगा। फिलहाल हाँ, यहाँ पे मिल चुका हम लोग को एक प्राइवेट जेट। लेट्स गो भाई, आप लोग देख सकते हो भाई इसमें केवल लिमिटेड बंदे बैठ सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी लग रहा है। चलो बिना कसर के अंदर इसे लोग उठा लेते हैं, अपनी जे वन उन्होंने नीचे खड़ी कर दी, वापस आकर ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, रात ही के में काम हो जाना चाहिए अपना। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोगों ने अपना जो प्लेन है ना भाई उसको चुरा लिया है। अब बस हम लोग जाना है भाई अपने डिजर्ट सिटी के अंदर, वहाँ से लेने अपने नेक्स्ट हैकिंग डिवाइस, जिससे कि हम लोग भाई सारा सारा जो काम है ना भाई कंप्लीट कर पाएँ। बाकी अब देखना ये कि भाई हम लोग डिजर्ट सिटी के अंदर जाके अपनी वो डिवाइस आसानी से मिल जाती है, मतलब कि गाइस यार अगर उस डिवाइस के लिए वहाँ पर उन लोगों ने पहले से ही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा के रखी होगी ना, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी आई होप कि आप लोग को आज की जो वीडियो भाई पसंद आई होगी, आई हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि हम लोग अपने भाई वैश्वर्ण ऋषि को एस्केप करवा पाते हैं या फिर नहीं।